Dear students, I am Mamta Jain, lecturer electronics from Government Polytechnic College, Chittorgarh. आज हम arithmetic instructions में decrement operation perform करने वाली instruction पढ़ेंगे. सबसे first instruction है DCR R. Decrement source by 1. R यहाँ पर कोई भी 8 bit का register हो सकता है, जैसे A, B, C, D, E, H and L. यह एक 1 byte instruction है, क्योंकि इस instruction में जो operand है वो पहले से specified है. यह instruction R register के content को 1 से decrement कर देती है. और जो decrement का जो result है वो same place पे store होता है, means उसी register में store होगा. इस instruction में हम operand को इस तरह से भी लिख सकते हैं, DCR M. M यहाँ पर एक memory location है, जिसका address HL register pair की content के द्वारा specify किया जाता है. यह instruction M जो memory location है उस पे जो भी 8 bit का content है उस content को 1 से decrement कर देगी. Sign flag, set flag, parity flag और auxiliary carry flag, ये जो चारों flags है ये decrement operation के result के according modified हो जाएंगे, but जो carry flag है वो unmodified रहेगा. अब इस इंस्ट्रक्शन के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. सबसे फर्स्ट एग्जांपल है DCR A. यह इंस्ट्रक्शन अक्यूमुलेटर के कंटेंट में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देगी. यहाँ देखिए जो अक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये जो सब्ट्रैक्शन की जो ऑपरेशन है वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके परफॉर्म की जाती है. मीन्स जो अक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसके साथ 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट एड कर दिया जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल है DCR H. यह इंस्ट्रक्शन H रजिस्टर के कंटेंट में से 1 डिक्रीमेंट कर देगी. लास्ट एग्जांपल है DCR M. यह इंस्ट्रक्शन M जो मेमोरी लोकेशन है जो HL रजिस्टर पेयर के द्वारा स्पेसिफाई की जाती है उस लोकेशन पर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को 1 से डिक्रीमेंट कर देगी. अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं DCR इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड. फर्स्ट प्रॉब्लम है डिक्रीमेंट रजिस्टर बी विच इज क्लियर्ड. हमें बी रजिस्टर को डिक्रीमेंट करना है जो क्लियर्ड है. क्लियर्ड है मीन्स उसमें अभी 00 सेव है. एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट आफ्टर द डिक्रीमेंट. और डिक्रीमेंट करने के बाद इसके कंटेंट्स क्या होंगे वो हमें स्पेसिफाई करना है. तो बी रजिस्टर को डिक्रीमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे DCR B. यह इंस्ट्रक्शन बी रजिस्टर के कंटेंट को 1 से डिक्रीमेंट कर देगी. अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले जो बी रजिस्टर है उसमें 00 सेव है. अब इस 00 को हम 1 से डिक्रीमेंट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ देखिए बी रजिस्टर में जो 00 सेव है वो हेक्सा में है, यहाँ पर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है. एक हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट किया है. देन इसमें से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को भी यहाँ पर 8 बिट में रिप्रेजेंट कर लिया है. अब सबसे पहले जो 1 है उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेंगे. तो टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक शॉर्टकट मेथड बताया था. एलएसबी से स्टार्ट करते हुए हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, तो जब तक पहला 1 नहीं आए तब तक हम एज इट इज नंबर को कॉपी कर देंगे. तो हम इस 1 को एज इट इज लिख रहे हैं, देन आगे जो जीरोस आ रहे हैं हम उनको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर आगे 1 आते हैं तब उनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ पे आगे सारे जो 0 आ रहे हैं उनको यहाँ पर 1 में कन्वर्ट कर दिया है. इस तरह से 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर लिया है. अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट को बी रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड कर देंगे. बी रजिस्टर में जो कंटेंट है वो है 00, तो इसको 00 के साथ ऐड कर देंगे. जो एडिशन का रिजल्ट है वो इस तरह से आ रहा है 1111 देन 1111. इसको वापस से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 44 की हम पेयरिंग कर लेंगे. 1111 एफ के इक्विवेलेंट है, देन अगेन 1111 एफ के इक्विवेलेंट है. तो इस तरह से जो बी रजिस्टर है उसमें डीसीआर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एफएफ स्टोर हो जाएगा. अब हम यहाँ फ्लैग का स्टेटस चेक करते हैं. सबसे पहले है साइन फ्लैग.
ये जो रिजल्ट है इसके D7 बिट 1 है, इसलिए जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। देन पेरिटी फ्लैग, पेरिटी फ्लैग के लिए हम नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वंस जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स है, मीन्स इवन टाइम्स है, इसलिए जो पेरिटी फ्लैग है वो भी सेट हो जाएगा। देन जीरो फ्लैग, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो पूरा जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए जो जीरो फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए D3 बिट के एडिशन से D4 बिट पे कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, बट इस एडिशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, इसलिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। और जो कैरी फ्लैग है वो अनमॉडिफाइड रहता है। देन हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। अब हम फ्लैग का स्टेटस चेक करते हैं। सबसे पहले है साइन फ्लैग, यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं हम। रिजल्ट में जो D7 बिट है वो 1 है, इसलिए जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। देन पैरिटी फ्लैग के लिए हम नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वंस यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स है, मीन्स इवन टाइम्स है, इसलिए जो पैरिटी फ्लैग है वो भी सेट हो जाएगा। देन जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग के लिए जो रिजल्ट है वो पूरा जीरो आना चाहिए, पर यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जीरो नहीं है, इसलिए जो जीरो फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए D3 बिट के एडिशन से D4 बिट पे कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, बट यहाँ पर इस एडिशन में कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, इसलिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। लास्ट वन इज कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग जो है वो अनमॉडिफाइड रहता है। अब हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन 2085 विच प्रेजेंटली होल्ड्स A0H। 2085 जो मेमोरी लोकेशन है वो A0H डेटा को होल्ड करती है। हमें इस डेटा को 1 से डिक्रीमेंट करना है, तो डिक्रीमेंट करने के लिए हम DCR इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो जो DCR इंस्ट्रक्शन है वो किसी रजिस्टर पर या किसी मेमोरी लोकेशन पर वर्क करती है, और जो मेमोरी लोकेशन है उसका जो कंटेंट है वो HL रजिस्टर पेयर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस मेमोरी लोकेशन को HL रजिस्टर पेयर में लोड कर देंगे। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे LXI H 2085। यह 2085 जो मेमोरी लोकेशन है वो HL रजिस्टर पेयर में इमीडिएटली लोड हो जाएगा। तो HL रजिस्टर पेयर में लोड हो गया है 2085। अब ये जो HL रजिस्टर पेयर है जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, मीन्स ये 2085 को पॉइंट आउट कर रहा है, इस लोकेशन पर अभी A0 है। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे DCRM। यह इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को 1 से डिक्रीमेंट कर देगी। अब ये जो डिक्रीमेंट की जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होती है हम वह देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में लिखा था। तो 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमने लिखा है, वो एज इट इज मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। 1111 देन 1111, इस 2's कॉम्प्लीमेंट को हम जो A0 जो डेटा है उसके साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेमोरी पे जो डेटा है वो है A0, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। A मीन्स यहाँ पर है 1010, देन 0 को 4 टाइम्स बाइनरी में लिख लिया है 0000। इन दोनों डेटा को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। एडिशन के रिजल्ट में एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुई है। अब इस रिजल्ट को वापस से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 4-4 की पेयरिंग कर ली है। यहाँ पर है 1001 मीन्स 9 एंड 1111 मीन्स F। तो इस तरह से जो एडिशन का रिजल्ट है वो 9F आ रहा है। ये एडिशन का जो रिजल्ट है वो उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। तो जो HL रजिस्टर पेयर है उसका कंटेंट 2085 था इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी यह
2085 ही रहेगा, बट जो मेमोरी का जो कंटेंट है वो 2085 लोकेशन पर A0 था। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद यह कंटेंट 1 से डिक्रीज हो जाएगा और 2085 मेमोरी लोकेशन पर 9F सेव हो जाएगा। अब हम फ्लैग का स्टेटस देखते हैं। फ्लैग का जो स्टेटस है वो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं साइन फ्लैग। ये जो D7 बिट है यहाँ पर ये 1 है, इसलिए जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। देन पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग के लिए हम नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स है, मीन्स इवन टाइम्स है, इसलिए जो पैरिटी फ्लैग है वो भी सेट हो जाएगा। देन जीरो फ्लैग के लिए आंसर जो है वो पूरा जीरो आना चाहिए, बट यहाँ पर आंसर है वो पूरा जीरो नहीं है, इसलिए जो जीरो फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। देन AC ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए D3 बिट के एडिशन से D4 बिट के एडिशन पर एक कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, बट इस केस में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, इसलिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। और जो कैरी फ्लैग है वो DCR इंस्ट्रक्शन से अनमॉडिफाइड रहता है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DCX RP। DCX मीन्स डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1। RP यहाँ पर रजिस्टर पेयर है। यह एक 1 byte की इंस्ट्रक्शन है। यह इंस्ट्रक्शन RP जो रजिस्टर पेयर है उसके कंटेंट को 1 से डिक्रीमेंट कर देगी, और डिक्रीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट है उसको उसी प्लेस पर स्टोर कर देगी, मीन्स उसका जो रिजल्ट है वो RP रजिस्टर पेयर में ही स्टोर होगा। यह इंस्ट्रक्शन यह RP रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक 16 bit के नंबर की तरह ट्रीट करती है। इस इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग जो है वो इफेक्टेड नहीं होगा। अब इस इंस्ट्रक्शन के हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है DCX B। बी मीन्स यहाँ पर BC रजिस्टर पेयर है। यह इंस्ट्रक्शन BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से डिक्रीमेंट कर देगी। नेक्स्ट DCX D। डी मीन्स यहाँ पर DE रजिस्टर पेयर है। यह इंस्ट्रक्शन DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से डिक्रीमेंट कर देगी। देन DCX H। H मीन्स यहाँ पर HL रजिस्टर पेयर है। यह इंस्ट्रक्शन HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट में से 1 को डिक्रीमेंट कर देगी। देन DCX SP। SP मीन्स यहाँ पर है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। यह इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में से 1 को डिक्रीमेंट कर देगी। इस तरह से जो DCX इंस्ट्रक्शन है उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। अब हम DCX इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रजिस्टर पेयर DE कंटेंट्स 2000H। जो DE रजिस्टर पेयर है उसमें 2000H है। स्पेसिफाई द कंटेंट्स ऑफ द एंटायर रजिस्टर इफ इट इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। ये जो एंटायर रजिस्टर है DE रजिस्टर, इसके कंटेंट को हमें स्पेसिफाई करना है जब इसको हम 1 से डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे DCX D। यह इंस्ट्रक्शन DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट में से 1 को डिक्रीमेंट कर देगी। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने से पहले जो DE रजिस्टर पेयर है उसमें 2000 सेव है। अब हम यहाँ DCX इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट देखते हैं। DCX इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के लिए सबसे पहले जो 1 है हम उसको 16 bit में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 का ये 16 bit में रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब इस 1 के रिप्रेजेंटेशन का 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था। हम LSB से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। जब तक फर्स्ट 1 नहीं आता है तब तक हम एज इट इज कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर 1 है उसको हम एज इट इज कॉपीज कर रहे हैं। देन जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो 1 है उसको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 के बाद यहाँ पे सारे 0's हैं, तो सारे 0's को यहाँ पर हमने 1 में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट है ये DE के डेटा के साथ ऐड किया जाता है। DE का जो डेटा है वो ये है 2000H। इस डेटा को यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर लिया है। एडिशन परफॉर्म करने में एक कैरी जनरेट हो रही है, और जो रिजल्ट है वो इस तरह से आ रहा है 0001 1111 1111 एंड देन 1111।
ये जो रिजल्ट है इसको वापस से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4-4 की पेयरिंग कर रखी है। तो यहां देखिए सबसे पहली जो पेयरिंग है वो है 0001, इसका इक्विवेलेंट है 1। देन 1111, इसका इक्विवेलेंट है F। अगेन 1111, इसका इक्विवेलेंट है हेक्सा में F। एंड देन 1111, इसका इक्विवेलेंट है हेक्सा में F। तो इस तरह से जो रिजल्ट आ रहा है वो है 1FFFH। तो ये जो रिजल्ट है वो वापस से डी रजिस्टर में ही स्टोर हो जाएगा। तो यहां देखिए डी रजिस्टर का जो कंटेंट है वो है 1FFF। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो डी रजिस्टर का जो कंटेंट है वो चेंज हो गया है। डीसीएक्स इंस्ट्रक्शन से कोई भी जो फ्लैग है वो इफेक्टेड नहीं होता है। थैंक यू।